आदि पुरुष करेगी क्या धमाका, दुनिया में बजेगा प्रभु राम का डंका, लोगों के दिलों में छाएगी आदि पुरुष, आदि पुरुष पर जगत गुरु की धमाकेदार भविष्यवाणी, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बात देखे कुछ ऐसा बोला है कि मीडिया की सुर्खियों में आ गया है। चित्रकूट के धरते से ताल्लुक रखने वाले स्वामी रामभद्राचार्य देश की कैसी नामचीन हस्ती है जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, और संत समाज से आने वाली एक ऐसी शख्सियत जिनके लिए कहा यह जाता है ना खुद लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं आंखों से, केवल सुनकर ही इन्होंने ज्ञान अर्जित किया, बोलकर अपनी रचनाएं लिखवाई, और आज मौजूदा समय में 22 भाषाओं के जानकार और 80 से ज्यादा ग्रंथों के रचनाकार हैं। बतौर कथावाचक स्वामी रामभद्राचार्य आम जनमानस को अध्यात्म की दुनिया से जोड़ने का कार्य आज भी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ देखिए ज्ञान के तप से मिलने वाले दैवीय शक्तियों के बल पर जब कभी कोई भविष्यवाणी करते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं वो बातें हर चीज सत्य साबित होती हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य की तमाम भविष्यवाणियां या फिर यूं कहें कि 100% सटीक बैठी हैं। कहते हैं कि स्वामी रामभद्राचार्य का भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है बहुत पुराना है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही इन्होंने मोदी को देश का भविष्य बता दिया था। 19 के लोकसभा चुनाव से पहले बता दिया था कि मोदी फिर से सत्ता में आएंगे, और अब देखिए 24 को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर चुके हैं कि मोदी इस बार भी जीत की हैट्रिक लगाएंगे। लेकिन फिर से सत्ता हासिल करते ही पीएम मोदी सबसे पहले किस कार्य को अंजाम देंगे इस बात की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। ये बता चुके हैं डंके की चोट पर कि हिंदू राष्ट्र का सपना, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ का दर्जा और गाय को राष्ट्र पशु घोषित करना, ये सब कुछ पीएम मोदी के शासन में ही होगा। अब कब होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब की बार पहली दफा जगत गुरु ने सुपरस्टार प्रभास स्टारर फिल्म आदि पुरुष को लेकर धमाकेदार भविष्यवाणी की है। कोर्ट में राम मंदिर के पक्ष में गवाही देने वाले जगत गुरु ने रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो बातें कही उसे फिल्म इंडस्ट्री को अभी से हिलाकर रख दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि स्वामी रामभद्राचार्य के मुख से निकली ज्यादातर बातें सच होती आई हैं, और इस बार उन्होंने कथा वाचते हुए अपने शिष्य का जिक्र करते हुए फिल्म आदि पुरुष को लेकर ये कहा है, मेरे ही एक शिष्य हैं, देखने में वो फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं लेकिन वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। आयुष्मान मनोज मुंतशिर शुक्ला बहुत अच्छा पटकथा लेखक है। आदि पुरुष उसका कल ट्रेलर मैंने देखा, मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। भगवान श्री राम जिन लोक वर्ण गुणों का वर्णन पटकथा का वर्णन उस व्यक्ति ने किया आज के लोगों को समझने के लिए, ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है। मुझे देखकर बेहद ही प्रसन्नता इसलिए भी हुई कि इसमें वास्तविक रामायण से जुड़े चलचित्र भी दिखाए गए हैं। अब आप ये कहेंगे कि यहाँ तो स्वामी रामभद्राचार्य ने फिल्म आदि पुरुष की तारीफ की है, इसमें देखिए भविष्यवाणी कहा है। यहाँ समझने वाली बात ये है कि शुरुआत में देखिए आदि पुरुष के टीजर में भगवान राम हनुमान के चरित्र को गलत तरीके से चित्रित किया गया था, जिसके चलते निर्माताओं ने कई बदलाव किए और अब जाकर फिल्म को रिलीज करने का फैसला किया। अब देखिए शुरुआत के टीजर में भगवान हनुमान के चमड़े के वस्त्र, रावण के किरदार को खिलची वाला लुक दे रखा था, तो इन्हीं चीजों को लेकर इस फिल्म का शुरुआत में बहुत ज्यादा विरोध हुआ। हालांकि देखिए बदलावों के साथ अब लोगों के सामने रुपहले पर्दे पर आदि पुरुष को फिल्माया जाएगा, और इतने विरोध के बाद स्वामी रामभद्राचार्य का फिल्म के ट्रेलर की तारीफ करना इस बात का संकेत है कि आज के दौर में रामायण पर आधारित आदि पुरुष जरूर कुछ बड़ा करेगी। देखा जाए तो धर्म उत्थान के इस समय में अयोध्या में पूरी भव्यता के साथ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और ऊपर से चहुं दिशाओं में सनातन संस्कृति की छाप दिख रही है। इसके ऊपर से समाज के बीच फिर से एक नए रंग रूप में रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष का रुपहले पर्दे पर दिखाना एक तरह से लोगों को अपने धर्म के प्रति जागरूक करने जैसा है। तो डायरेक्टर ओम राउत के डायरेक्शन में बनी आदि पुरुष इस 16 जून को रिलीज होगी, लेकिन ब्लॉकबस्टर कितनी साबित होगी, कैसी कमाई करेगी और इसका क्या धमाकेदार कुछ नया करेगी समाज में पूरे विश्व में, अब ये तो वक्त बताएगा। अब जो कि देखिए बात त्रेता युग से जुड़ी रामायण पर हो रही है, तो आप ये भी जरूर जान लें कि कुछ समय पहले ही जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा के कुछ चौपाइयों पर सवाल उठाए थे। चौपाइयों की अशुद्धियों को उजागर करते हुए उन्होंने ये कहा था, हनुमान चालीसा की एक चौपाई शंकर सुवन केसरी नंदन में स्वयं की जगह सुवन छप गया,
बजरंगबली शंकर जी के पुत्र नहीं है बल्कि वो स्वयं ही शिव के अवतार है। हनुमान चालीसा की इस चौपाई में ये गलती है। हनुमान चालीसा की 27वीं चौपाई में गलती है। इस चौपाई में सब पर राम तपस्वी राजा लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पर इसकी जगह सब पर राम राज फिर ताजा शब्द सही है। हनुमान चालीसा की 32वीं चौपाई में गलती है। इस चौपाई में राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा लिखा है जिसे सादर रहो रघुपति के दासा पढ़ा जाना चाहिए। हनुमान चालीसा की 38वीं चौपाई में भी गलती है। इस चौपाई में जो सत बार पाठ कर कोई लिखा है और इस पर पैच और ये सत बार पाठ कर जोड़ी पढ़ा जाना चाहिए पैच और ये पाठ कर जो ही पढ़ा जाना चाहिए। बहरहाल स्वामी रामभद्राचार्य ने हनुमान चालीसा की कथित अशुद्धियों को लेकर जो कहा और इसके साथ ही साथ देखे आदि पुरुष फिल्म को लेकर जो भविष्यवाणी की या फिर यूं कहें कि जो तारीफ की है उस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइएगा जरूर।